स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ससुराल में कानूनी अधिकार के बारे में। ससुराल पति का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है या उसके घर वालों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसी मान सम्मान के साथ और उसी लिविंग स्टैंडर्ड में रहने का अधिकार हर पत्नी को है। कई बार ऐसा होता है कि केवल दहेज की लालच में लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन फिर वो मान सम्मान उस लड़की को नहीं दे पाते और उनकी उस लड़की में कोई भी रुचि नहीं होती है। तो ऐसे में आपके पास एक कानूनी अधिकार है कि अगर पति और पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं बना है, मतलब कि अगर उनकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, तो वो अपने विवाह को अमान्य या निरस्त घोषित करवा सकती हैं। इसके लिए कोर्ट में मामला दायर किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ आप दहेज विरोधी कानून का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके विवाह के पहले या विवाह के बाद जो भी स्त्री धन आपको मिला हुआ है उस पर केवल और केवल आपका ही अधिकार होता है। अगर वो स्त्री धन आपके घर ससुराल वालों के पास या आपके पति के पास रखा हुआ है तो भी उस पर अधिकार आपका ही होगा और बिना आपकी इजाजत के या बिना आपकी मर्जी के ना उस स्त्री धन को बेचा जा सकता है और ना ही किसी को दिया जा सकता है। तो ये आपका कानूनी अधिकार है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। और अगर आपके साथ किसी भी तरह का गलत बर्ताव किया जा रहा है ससुराल में तो आप इसका उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के टॉपिक पर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना है या कुछ किसी और टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप उस पर भी कमेंट आप कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।